तो एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग तुम्हारे नाम। तो इस वीडियो में तुम काफी खुश सीख कर जाने वाले हो, डोंट स्किप इट। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ओके, डॉक्यूमेंट्री वीडियो का ए मोस्ट पॉपुलर में हाईलाइट एनिमेशन, पता नहीं कितने लाख के पीसी में इसे एडिट किए जाते हैं, बट रियली हम लोग फोन में इसको इजीएस्ट में बना सकते हैं। लेट मी शो यू। ओके, लाइट मोशन को ओपन करके इस प्लस लाइक पर टैप करना है और इस क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। ओके, जैसा तुम टैप करोगे यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, एंड उसके बाद इस प्लस लाइक पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस मैप वाला बैकग्राउंड को एड कर लेना है। ओके, ये वाला बैकग्राउंड जैसे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इजिली वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ओके, कुछ स्टेप से हो जाने के बाद सबसे पहले जूम करके इंडिया वाले मैप चले जाना है कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेने के बाद सिंपली बैक आ जाना है, एंड उसके बाद इस प्लस लाइक पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इंडिया वाले मैप को लेकर आ जाना है, जैसे ए वाला। ओके, जैसे पीएनजी है। कुछ स्टेप से लेकर आ जाने के बाद सिंपली सबसे पहले ना इसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। और हाँ, मैं तुम लोग से बता दूं, कुछ स्टेप से तुम पीएनजी कैसे बना सकते हो जैसे इंडिया का मैप वाला, मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इजीली वहां से देखकर तुम जान सकते हो। कुछ स्टेप से मतलब एड कर लेने के बाद इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर लेता हूं। ओके, कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली चले जाना है ब्लेंडिंग एंड ऑपसिटी वाले ऑप्शन में, एंड इसमें आने के बाद सिंपली डार्कन पर क्लिक करना है और यहाँ पर मल्टीप्लाई या डार्कन कर देना है सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी सेलेक्ट कर लेना और बैक आ जाना है। एंड बैक आ जाने के बाद अब इसका जो स्ट्रोक का जो पीएनजी है उसको एड करना है, तो उसको एड करने के लिए सिंपली अब इस प्लस वाले आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके सिंपली इसको एड कर लेना है। तो अब इस स्टेप से स्ट्रोक पीएनजी तुम कैसे बना सकते हो, मैं ऑलरेडी उसी वीडियो में बता चुका हूँ, तो उस वीडियो के चेकआउट कर लेना। ओके, इसको एड कर लेने के बाद अब इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, कुछ स्टेप से एडजस्ट हो जाने के बाद अब इसमें लोग ग्लो इफेक्ट भी दे देते हैं, तो सिंपली उसके लिए इसको सिलेक्ट करके रखना है और उसके बाद क्लिक करना है इफेक्ट पर, अगेन एड इफेक्ट पर, और सर्च बार में लिखना है ग्लो। ओके, ग्लो लिखते ही ग्लो इफेक्ट आ जाएगा, तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग को ले लेना है। ओके, कुछ स्टेप से हो जाने के बाद तुम देख सकते हो इसमें बहुत ज्यादा ग्लो हो गया है, तो थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे स्क्रॉल करके नीचे साइड और कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर सिलेक्ट करके बैक आ जाएंगे और हार्डनेस को पूरा जीरो कर लेना है। ओके, और जो रेडियंस है इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे अराउंड कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ स्टेप से हो जाने के बाद सिंपली अब बैक आ जाना है, एंड बैक आ जाने के बाद अब दोबारा से स्ट्रोक पीएनजी को सिलेक्ट करना है एंड इफेक्ट पर चले जाना है, अगेन एड इफेक्ट पर, और सर्च बार में लिखना है ड्रॉइंग। ओके, ड्रॉइंग लिखते ही ड्रॉइंग प्रोग्रेस वाला इफेक्ट आ जाएगा, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करके और इस ड्रॉ वाला टेम्पलेट को एड कर लेना है। ओके, एड कर लोगे तो ऑटोमेटिक इसमें जैसे की फ्रेम लग जाएगा, सिंपली इस पर ड्रॉइंग वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो तुम देख सकते हो एंड वाला में लग चुका है। तो अब इसको थोड़ा हम प्ले करके देखेंगे तो फास्ट या स्लो है। ओके, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, तो सिंपली हम लोग करेंगे जो हम लोग को लास्ट वाला जो की फ्रेम एड हुआ है ना, इसको हम लोग उठाकर और थोड़ा सा आगे कर देंगे अराउंड, इसको हम लोग 1.20 सेकंड पर कर देते हैं। ओके, तो अब इसको थोड़ा प्ले करके हम लोग देख लेते हैं। वाओ, अब सिंपली करना क्या पड़ेगा, जो हम लोग का मैप पीएनजी है उसको सिलेक्ट करना है और ब्लेंडिंग ऑपसिटी वाले ऑप्शन में चले जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करना है और इसका जो ऑपसिटी है पूरा जीरो कर देना है कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद आगे चले जाना है अराउंड जैसे 20 सेकंड पर और इसको पूरा 100 कर देना है और दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है एंड इस पर टैप करना है ग्राफ वाले ऑप्शन पर और इस पर क्लिक करना है एंड इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर देना है अराउंड। ओके, कुछ स्टेप से एडजस्ट हो जाने के बाद अब इसको थोड़ा प्ले करके हम लोग देख लेते हैं। कुछ स्टेप से हो जाने के बाद अब सिंपली हम लोग टेक्स्ट को लिख लेते हैं, तो टेक्स्ट को लिखने के लिए सिंपली इस प्लस आइकन पर टैप करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट को ले लेंगे। ओके, टेक्स्ट को ले लेने के बाद अब सिंपली हम लोग टेक्स्ट को लिख लेना है, तो जैसे मैं लिख लेता हूँ इंडिया। ओके, टेक्स्ट को लिख लेने के बाद सिंपली यहाँ से फॉन्ट भी सेलेक्ट कर लेना है, इसका साइज भी। ओके, साइज को इंक्रीज कर लेने के बाद अब सिंपली कलर वाले ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करके और सिंपली इस पर टैप करना है और इसको कुछ इस तरीके से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, कुछ स्टेप से हो जाने के बाद सिंपली अब डन कर देना है अराउंड कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद सिंपली चले जाना है ब्लेंडिंग एंड ऑपसिटी वाले ऑप्शन में, सिंपली हम लोग डार्कन पर क्लिक करके और इसको चेक करेंगे कहां पर किस में अच्छे से एडजस्ट हो जा रहा है अराउंड, इसको देख लेते हैं एंड सही पर टैप करके और इसको सिलेक्ट करके इसको बीचों बीच एडजस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेने के बाद सिंपली दोबारा से चले जाएंगे ब्लेंडिंग एंड ऑपसिटी वाले ऑप्शन में एंड इसको हम लोग ट्राई करेंगे किस में अच्छे से बेटर से एडजस्ट हो पा रहा है। ओके, ओवरलाइव में हम लोग को अच्छे से एडजस्ट हो पा रहा है, बट सिंपली हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग बैक आ जाएंगे, सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट
सेलेक्ट करेंगे और एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और कलर पर क्लिक करके और इस पर टैप करना है और इसको अराउंड कुछ इस तरीके से करना है। ओके, कुछ इस टाइप से हो जाने के बाद सिंपली डन कर देना है कुछ इस तरीके से और इसको बीचों बीच एडजस्ट कर देना है अराउंड कुछ इस तरीके से। ओके, अब अपने टेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करना है और इसको लेकर चले जाना है आगे की साइड 0.10 सेकंड पर। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके अगेन एड इफेक्ट पर क्लिक करके और ओपसिटी वाला ऑप्शन पर यहाँ पर टैप कर देना है एंड उसके बाद फेड इन वाला इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, एंड उसके बाद आउट पर क्लिक करके इसको जीरो कर देना है। तो अब इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं। ओके, अब पाकिस्तान वाले कंट्री पर भी हम लोग को सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। तो सिंपली हम लोग चले आएंगे 0.20 सेकंड पर। ओके, यहाँ पर आने के बाद अब इस प्लस वाले आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके पाकिस्तान वाले मैप पीएनजी को लेकर आ जाना है अराउंड कुछ इस तरीके से। ओके, लेकर आ जाने के बाद अब सिंपली मूव वाला ऑप्शन पर टैप करना है और स्केल पर क्लिक करके कुछ स्टेप से स्केल जैसे इंक्रीज करना है। ओके, कुछ स्टेप से इंक्रीज कर लेने के बाद अब सिंपली मूव वाला ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पर लेकर एडजस्ट कर देना है अराउंड कुछ इस तरीके से एंड थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाते हैं अच्छे से एडजस्ट करने के लिए। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिंपली रोटेशन वाले ऑप्शन पर टैप करना है और -3 कर देना है। ओके, -3 करने के बाद अब सिंपली स्केल वाला ऑप्शन पर टैप करना है और इसका जो साइज हम लोग 35-70 कर देते हैं। ओके, कुछ स्टेप से हो जाने के बाद सही पर टैप करके और मूव वाला ऑप्शन पर चले जाना है और इसको एडजस्ट करना है अच्छे तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे परफेक्ट हो जाना चाहिए। कुछ स्टेप से एडजस्ट हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड उसके बाद इसका जो स्ट्रोक वाला पीएनजी है उसको ऐड करके इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। ओके, कुछ स्टेप से एडजस्ट हो जाने के बाद अब सिंपली हम लोग ग्लो इफेक्ट और ड्रॉइंग वाला जो एनिमेशन है उसको भी ऐड कर देते हैं। तो सिंपली बैक आ जाना है एंड उसके बाद इंडिया वाला स्टॉक पीएनजी को सिलेक्ट करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके और सबसे पहले ग्लोइंग वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर देना है, बैक आ जाना है एंड उसके बाद पाकिस्तान वाले यहाँ पर स्टॉक पीएनजी को सिलेक्ट करके और इफेक्ट पर क्लिक करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ओके, तुम ऐसे कर लेते हो तो इसमें ग्लो इफेक्ट लग जाएगा। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके ड्रॉइंग वाला इफेक्ट भी हम लोग ऐड कर लेते हैं कॉपी करके। तो अब इस ड्रॉइंग इफेक्ट पर क्लिक करना है और एंड पर क्लिक करके जो हम लोग सेकंड वर्क की फ्रेम है इसको उठाकर आगे के साइड 1.20 सेकंड पर लेकर आ जाना है। यहाँ पर आ जाने के बाद सिंपली बैक कर देना है एंड इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ओके, इतना काम हो जाने के बाद अब सिंपली पाकिस्तान वाले मैप को सिलेक्ट करना है और चले जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में एंड इसमें आने के बाद अब सिंपली यहाँ पर चले जाना है 20 सेकंड पर। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद सिंपली स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके और जो ओपसिटी है इसको पूरा जीरो कर देना है अराउंड कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद आगे के साइड चले जाना है 1.10 सेकंड पर। ओके, यहाँ पर आने के बाद इसको 100 कर देना है। उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है एंड इस पर टैप करके और सेकंड नंबर पर टैप कर देना है एंड फर्स्ट वाले हम लोग की फ्रेम ऐड कर देना है एंड इसको सेटिंग कुछ इस टाइप से कर लेंगे। ओके, कुछ स्टेप से सेटिंग कर लेने के बाद अब बैक आ जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर डार्कन पर क्लिक करके इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अब इसको थोड़ा प्ले करके हम लोग देख लेते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग का एनिमेशन बनके रेडी हो चुका है, सिर्फ कैमरा को एनिमेट कर देना है। तो सबसे पहले अपने टाइमलाइन को सही कर लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली लास्ट में आ जाना है एंड अपने लेयर को सिलेक्ट करना है और जैसे तुम इस पर टैप करोगे तो ये अपने सही लाइन पर आ जाएगा, तुम देख सकते हो। तो इसी तरीके से सिंपली इसको सिलेक्ट करके और इस पर तुम टैप करोगे तो परफेक्ट यहाँ पर लाइन पर आ जाएगा। तो इसी तरीके से कर लेना है, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब हम लोग कैमरा को एनिमेट करेंगे। तो उसके लिए इस प्लस वाले आइकन पर टैप करना है और ऑब्जेक्ट एनिमेट पर क्लिक करके कैमरा को ले लेना है। ओके, कैमरा को लेने के बाद सिंपली इसको एनेबल करना है जैसे कैमरा को एंड इस पर टैप करना है और इस पर टैप करोगे जैसे कैमरा एनेबल हो जाएगा एंड उसके बाद इस वाले ऑप्शन को हाइड करने के लिए सिंपली इस पर टैप कर देना है एंड उसके बाद चले जाना है मूव वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर आने के बाद दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक्स और वाई तो आपस में मर्ज है एंड जो दूसरा हम लोग को जेड है। जेड से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ स्टेप से हम लोग कर सकते हैं जूम आउट एंड उसके बाद एक्स वाई से हम लोग कुछ स्टेप से कर सकते हैं मूव स्लाइड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जेड वाला ऑप्शन पर टैप करेंगे और इसको कुछ स्टेप से हम थोड़ा सा आउट कर लेंगे, सॉरी जूम कर लेंगे। ओके, ओके, कुछ स्टेप से हो जाने के बाद अब स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड उसके बाद रोटेशन वाला ऑप्शन पर टैप करके इसमें भी एक की फ्रेम को ऐड करके और -15 कर लेना है। ओके, इतना हो जाने के बाद अब सिंपली लास्ट में चले जाना है 3 सेकंड पर। ओके, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले रोटेशन वाला ऑप्शन को तो जीरो कर देना है एंड उसके बाद मूव वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम लोग आउट करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ स्टेप से कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है, इसमें हम लोग ग्राफ एनिमेशन भी दे देते हैं। ओके, अब फाइनली हम लोग का एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है, मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। वाह, यहाँ पर एक चीज़ को तुम नोटिस किए होगा, जो हम लोग पाकिस्तान का मैप है उसमें हम लोग टेक्स्ट नहीं लिखे हैं, तो सिंपली तुम उसको लिख लेना।
ओके अभी फ्लैग वाला एनिमेशन और भी ज्यादा इजी है इसको बनाना, तो सोचना क्या है, चलो बनाते हैं। ओके मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद सिंपली गूगल को ओपन कर लेना है एंड जिस भी कंट्री का फ्लैग चाहिए सबसे पहले उस कंट्री का नाम लिख लेना है। लाइक मैं इंडिया का चाहता हूँ तो मैं इंडिया लिख लेता हूँ। ओके इंडिया लिखने के बाद सिंपली वेविंग फ्लैग लिख देना है एंड लिखकर सर्च कर देना है। तो अब तुम देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर आ चुका है, जो भी मैंने वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, इमेज पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे पर देखने को मिल जाएंगे। बट मैं यहाँ पर ऑल में चला जाता हूँ और मैं फर्स्ट वाला ही डाउनलोड करने वाला हूँ ये वाला, एंड इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से डाउनलोड में कर लूंगा। ओके डाउनलोड करने के बाद अब सीधा चले जाना है एलाइट मोशन एप्लीकेशन में। ओके एलाइट मोशन में आने के बाद सिंपली इस प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। ओके क्रिएट कर लेने के बाद अब सिंपली इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इंडिया वाले फ्लैग को ऐड कर लेना है। ओके ऐड कर लेने के बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे अराउंड कुछ इस तरीके से। ओके इतना जूम कर लेने के बाद सिंपली बैक आ जाना है एंड उसके बाद दोबारा से इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके इस वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है। ओके ऐड कर लेने के बाद सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और ब्लेंडिंग ऑपेसिटी वाला ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पर डार्कन पर क्लिक करके इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो कुछ स्टेप से देखने को मिल जाएगा एंड देख सकते हो। ओके कुछ स्टेप से हो जाने के बाद अब इंडिया वाले फ्लैग को सिलेक्ट करना है एंड इफेक्ट में चले जाना है, अगेन एड इफेक्ट पर, और सर्च बार में लिखना है वेब। तो जैसा तुम वेब सर्च करोगे तो फर्स्ट नंबर इफेक्ट आ जाएगा, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लैग वेब राइट, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिक इसमें की फ्रेम लग जाएंगे एंड हम लोग का वीडियो भी रेडी हो चुका है, तो मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो नीतीश राजपूत के वीडियो में मैंने बॉक्स वाला एनिमेशन देखा जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड तुम इसको इजी स्टेप में बना सकते हो, लेट मी शो यू। तो ये लाइट मोशन को ओपन करके इसमें एक बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ, तो अब इस प्लस वाले आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस वाले टेबल पीएनजी को ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ओके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड यहाँ पर बॉक्स पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है। ओके ऐड कर लेने के बाद अब इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है छोटा करके। ओके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली इसमें थोड़ा हम लोग शैडो भी ऐड कर देते हैं, तो शैडो ऐड करने के लिए सिंपली चले जाएंगे बॉर्डर एंड शैडो वाले ऑप्शन में एंड इस पर क्लिक करके शैडो ऐड कर देते हैं। शैडो को ऐड कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है और चले जाना है मूव वाले ऑप्शन में एंड इसमें आने के बाद सिंपली स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करना है और इसको पूरा बाहर कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके वन सेकंड पर आने के बाद जहां पर पहले था वहीं पर इसको रख देना है। ओके कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है एंड इस पर टैप करके और ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। ओके अब इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। वाओ तो अब अपने टाइमलाइन को भी सही कर लेना है। इतना हो जाने के बाद अब बॉक्स के अंदर जिस भी इमेज को यहाँ पर एनिमेट करना चाहते हो उसको ऐड करना है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद अब इसको छोटा करना है कुछ इस तरीके से और बॉक्स के ऊपर लेकर रख देना है और जहाँ पर उसका साइज है अंदर एनिमेट करने का वहाँ पर देख लेना है कि उसका साइज कितना है, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी छोटा कर लेना। अराउंड में और छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके छोटा कर लेने के बाद यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद अब इसके लेयर को सिलेक्ट करना है और 1.10 सेकंड पर लेकर आ जाना है टाइमलाइन में। ओके यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और इसका डुप्लीकेट हम लोग को लेयर बनाना पड़ेगा, तो सिंपली इस पर सिलेक्ट करना है और इस पर टैप करके डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। ओके कुछ स्टेप से हो जाने के बाद अब दोनों को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। अब दोनों को सिलेक्ट कर लेने के बाद ऊपर के साइड इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, तो जैसे तुम टैप करोगे तो मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम देख सकते हो। सिंपली अब इसको सिलेक्ट करना है और एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद अब सिंपली यहाँ पर आ जाना है स्टार्टिंग में और इस पर टैप करना है और उसके बाद सिंपली चले जाना है मूव वाले ऑप्शन में एंड इसमें आने के बाद स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करना है एंड उसके बाद आगे की साइड लेकर आ जाना है 1 सेकंड पर। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड उसके बाद चले जाना है स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर। स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर आ जाने के बाद अब इसको कुछ इस तरीके से मूव करना है ऊपर के साइड। तो अब तुम इसको प्ले करके देखोगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग का काम खत्म नहीं हुआ है, जो हम लोग सेकंड नंबर की फ्रेम है वहां पर चले आना है एंड उसके बाद इसको नीचे साइड स्लाइड करना है कुछ इस तरीके से। ओके कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है एंड इसमें हम लोग ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देते हैं, तो इस पर टैप करके और यहाँ पर थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। तो अब इसको थोड़ा प्ले करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बैक आ जाना, तो अब अपने मास्किंग वाले लेयर को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आ जाना है एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिंपली चले जाना है इफेक्ट में, अगेन एड इफेक्ट में, और सर्च बार में लिखना है वेब। ओके लिखते ही इफेक्ट आ जाएगा, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। तो जैसे तुम सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक की फ्रेम एड हो जाएगा। तो अब हम लोग सेकंड वाले की फ्रेम को उठाकर 2 सेकंड पर लेकर आ जाना है। तो अब तुम इसमें कुछ एडजस्ट करना चाहते हो तो एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैं कर लेता हूँ। ओके कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाने के बाद अब इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं।
तो अब तुम देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। अब इस बॉक्स पीएनजी को सिलेक्ट करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके अगेन एड इफेक्ट पर क्लिक करके और 3D वाले ऑप्शन में चले जाना है और इस वाले इफेक्ट को एड कर लेना है। ओके, एड कर लेने के बाद सिंपली स्टैंडर्ड सेटिंग को ले लेना है। तो सिंपली अब रोटेशन वाले ऑप्शन पर टैप करना है और अपने टाइमलाइन में 2.10 सेकंड पर आ जाना है। ओके, यहां पर आ जाने के बाद सिंपली अब वाई पर टैप करना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को एड करके एंड उसके बाद चले जाना है 3 सेकंड पर। ओके, 3 सेकंड पर आ जाने के बाद इसको कुछ इस तरीके से रोटेट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ और इसको 2 से 3 बार कर लेना है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जो बॉक्स का साइज है कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले नीचे के साइड हम लोग चले जाएंगे और डेप्थ पर क्लिक करके और कुछ इस तरीके से कर लेना है, अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मैं अराउंड इतना कर लेता हूँ। ओके, इतना कर लेने के बाद अब ऊपर के साइड आ जाना है एंड उसके बाद सिंपली रोटेशन वाले ऑप्शन पर टैप करना है और दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है। इसमें ग्राफ एनिमेशन भी एड कर देना है, तो मैं एड कर लेता हूँ। ओके, तो अब इसको थोड़ा प्ले करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो बहुत ज्यादा फास्ट एनिमेशन हो रहा था। सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और इफेक्ट पर क्लिक करके और इस वाले इफेक्ट में चले आना है और रोटेशन पर क्लिक करके और जो हम लोग को सेकंड नंबर की फ्रेम है इसको उठाकर और सिंपली इसको कर देना है 4 या 3 सेकंड पर। मैं 4 सेकंड कर लेता हूँ एंड उसके बाद आप प्ले करके देख लेते हैं। ओके, अब सही लग रहा है, तुम देख सकते हो। अब इसको दोबारा से सेलेक्ट करना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है एंड उसके बाद स्केल वाला ऑप्शन में जाकर यहाँ पे की फ्रेम को एड करना है और थोड़ा सा आगे आ जाना है और इसको कुछ इस तरह से कर लेना है, डिक्रीज कर लेना है मतलब। तो अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देना है। तो लो भाई, फाइनली हम लोग का एनिमेशन मार के रेडी हो चुका है। मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ध्रुव राठी के वीडियो में मैंने ये वाला एनिमेशन देखा तो देर किस बात की, चलो बनाते हैं। ओके, पिक्सेल को ओपन करके यूट्यूब का जो पीएनजी है उसको मैं ऐड कर लिया हूँ एंड जो भी अपना पीएनजी ऐड करना होगा ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और जैसे तुम यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक मास्क का ऑप्शन दिख जाएगा, तो सिंपली इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद इसके अंदर का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले ना यहाँ पर क्लिक करके और इसको यहाँ पर लेकर आ जाना है एंड इस पर टैप करके इसको ऊपर के साइड लेकर आ जाना है। ओके, तो यहाँ पर मैं तुम लोग को बता दूं यहाँ पर 2 लाइनें देखने को मिल रहा है। तो सिंपली इसका जो कंट्रोल है यहाँ पर दिख जाएगा एंड इसके मदद से तुम कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो कुछ इस से हो जाने के बाद सबसे पहले ना हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। ओके, और इसको कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। ओके, कुछ स्टेप से कर लेने के बाद जैसे तुम इनेबल पर क्लिक करोगे बूम कुछ स्टेप से हो जाएगा। तो सिंपली तुम देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन देखने को क्या मिल रहा है, इन और आउट का। अगर तुम आउट पर क्लिक करोगे तो इन वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, अगर तुम लोग इन पर क्लिक करोगे तो आउट वाला पार्ट यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग करना क्या पड़ेगा, सिंपली सही पर टैप कर देना है और सिंपली अब 4th नंबर वाला ऑप्शन पर टैप करके और ट्रांसपेरेंट करके इसको सेव कर लेना है। ओके, सेव कर लेने के बाद अब सिंपली इस पर टैप करना है और दोबारा से चले जाना है उसी वाले ऑप्शन में, इसे मास्क वाला ऑप्शन में, और इस बार हम लोग को आउट पर क्लिक करके सही पर टैप करना है और ट्रांसपेरेंट करके इसको सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद आप सिंपली कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओके, कैपकट को ओपन करके इसमें एक बैकग्राउंड को ऐड कर लियो एग्जांपल के लिए। तो अब जो तुम पिक्सेल में पीएनजी को यहां पर बनाए हो सिंपली उसको ऐड करना है। तो सिंपली ऐड करने के लिए ओवरलेय पर टैप करना है, अगेन ऐड ओवरलेय पर, और सिंपली यूट्यूब का जो लोगो ऐड कर लेना है। ओके, ऐड कर लेने के बाद सिंपली इसको इसी तरीके से रहने देना है, ऑटोमेटिक अपने जगह पर सेट हो जाएगा और बैक आना है और फिर से ऐड ओवरलेय पर क्लिक करके और साइज वाला यूट्यूब पीएनजी का जो टुकड़ा है उसको ऐड कर लेना है अराउंड कुछ इस तरीके से, तो ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा एंड सेट हो जाने के बाद ओके, अब जहां से एनिमेट करना है उस टाइमलाइन पर आ जाना है। तो मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूं अराउंड यहां पर। ओके, यहां पर आ जाने के बाद सिंपली इस पर टैप करना है और यहां पे की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड नीचे वाला यहां पर YouTube PNG को सेलेक्ट करके इसमें भी की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद थोड़ा सा आगे चले जाना है अराउंड 1 सेकंड पर। ओके, यहां पर आ जाने के बाद अब सिंपली इसको कुछ इस तरीके से करना है थोड़ा सा रोटेट करके। कुछ स्टेप से एनिमेट कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है एंड इसमें हम लोग ग्राफ एनिमेशन भी दे देते हैं। तो उसके लिए सिंपली इस पर टैप करना है और इज आउट 2 को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इतना हो जाने के बाद अब बैकग्राउंड को भी एनिमेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो यूट्यूब का लोगो है उसको सिलेक्ट करेंगे और 1st नंबर की फ्रेम कहाँ पे ऐड हुआ है उस टाइमलाइन पर आ जाना है एंड बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, इसमें भी एक की फ्रेम को ऐड करके और दोबारा से यूट्यूब का जो लोगो है उसको सिलेक्ट करना है और 2nd नंबर की फ्रेम पर चले जाना है एंड यहाँ पर आने के बाद बैकग्राउंड को अब सिलेक्ट करना है और इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है। ओके, कुछ स्टेप से कर लेने के बाद अब इसमें भी हम लोग ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देते हैं। तो अब इस वीडियो क्लिप को एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके, एक्सपोर्ट हो जाने के बाद सिंपली अब बैक आ जाना है एंड बैक आने के बाद सिंपली एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है और उसी वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है। ओके, ऐड करने के बाद अब सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और जहां से एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है उस वाले टाइमलाइन पर चले जाना है। ओके, यहां पर आ जाने के बाद सिंपली यहां पर एक की फ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा आगे आ जाना है अराउंड यहां पर। ओके, यहां पर आ जाने के बाद अब सिंपली इसको कुछ स्टेप से कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूं।
कुछ स्टेप से कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है एंड इसमें हम लोग ग्राफ एनिमेशन भी एड कर देते हैं। ओके फाइनली हम लोग एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है, मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्री वीडियो में ऐसा डेस लाइन एनिमेशन देखने को तो जरूर मिला होगा, तो देर किस बात की, चलो हम भी बनाते हैं। लेट्स बिगिन। तो ये लाइट मोशन को ओपन करके इसमें एक बैकग्राउंड को ऐड कर ली हूँ, तो अब इस प्लस लाइक पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से छोटा करके और यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। ओके यहाँ पर एडजस्ट कर लेने के बाद आप सिंपली चले जाना है मूव वाले ऑप्शन में एंड इसमें आने के बाद अब स्केल पर क्लिक करना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके और इसको पूरा जीरो कर देना है इस पर क्लिक करके और सही पर टैप कर देना है एंड उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाना है 15 सेकंड पर। ओके यहाँ पर आने के बाद इसका जो साइज है कुछ इस तरह से इंक्रीज करना है। ओके साइज को इंक्रीज कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है, इसमें हम लोग ग्राफ एनिमेशन भी दे देते हैं, सिंपली इस पर टैप करेंगे और फोर्थ नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देंगे। तो अब इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं। ओके इतना हो जाने के बाद अब अपने टाइमलाइन को सही कर लेना है, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और लास्ट में चले जाना है जहां तक तुम्हारा टाइमलाइन है और सिंपली यहां पर आने के बाद जैसे तुम इस पर टैप करोगे तो ऑटोमेटिक यहां पर सेट हो जाएगा, देख सकते हो। ओके तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जैसे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इसका साइज कर देगा। तो सिंपली अब टेक्स्ट को लिखना है तो उसके लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है और टेक्स्ट को ले लेना है और जो भी लिखना होगा जैसे लिख लेना। ओके टेक्स्ट को लिख लेने के बाद अब यहां से फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लेना एंड कलर भी। ओके कलर को सिलेक्ट कर लेने के बाद अब सही पर टैप कर देना है एंड सही पर टैप करने के बाद अब मूव वाला ऑप्शन पर क्लिक करके और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। ओके यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद अब सिंपली स्केल पर क्लिक करना है, इसका जो साइज है थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं। ओके इतना हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड इसको सिलेक्ट करके रखना है और चले जाना है इफेक्ट में, अगेन एड इफेक्ट में और सर्च बार में लिखना है वाइप। ओके लिखते ही इफेक्ट आ जाएगा, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ट्रांजेक्शन इन राइट वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे तुम इसको सिलेक्ट कर लो तो ऑटोमेटिक की फ्रेम एड हो जाएगा, तो इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके तो तुम देख सकते हो हम लोग एनिमेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ा और ऑटोमेटिक एनिमेट भी हो चुका है, तो ये शॉर्टकट तरीका है। तो अब सबसे पहले अपने टाइमलाइन को सही कर लेते हैं। ओके इतना हो जाने के बाद अब सिंपली 0.20 सेकंड पर आ जाना है। ओके यहाँ पर आने के बाद हम लोग को डैश लाइन यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपली इस प्लस आइकन पर टैप करेंगे और वेक्टर ड्राइंग को ले लेना है। ओके वेक्टर ड्राइंग को लेने के बाद यहाँ पर एक प्लस आइकन बन जाता है, तो सिंपली इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आ जाना है और अब हम लोग को पॉइंटर एड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे तुम इस प्लस आइकन पर टैप करोगे तो पॉइंटर एड हो जाएगा, तो पॉइंटर एड हो जाने के बाद अब सिंपली यहाँ पर आ जाना है। ओके यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिंपली यहाँ पर पॉइंटर एड करना है और इसको नीचे साइड कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके यहाँ पर भी एक पॉइंटर को एड करना है, तो सिंपली इस पर टैप करके पॉइंटर ऐड कर देंगे। पॉइंटर ऐड कर देने के बाद सिंपली बैक आ जाना है और इसको सिलेक्ट करना है और चले जाना है कलर फिल वाले ऑप्शन में और यहां से बंद कर देना है कलर को, बैक आ जाना है एंड उसके बाद चले जाना है बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन में एंड इसको इनेबल करना है और कलर पर क्लिक करके और व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है और बैक आ जाना है एंड उसके बाद जो स्ट्रोक का साइज है थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ओके इतना हो जाने के बाद आप सिंपली बैक आ जाना है एंड इसको सिलेक्ट करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके अगेन एड इफेक्ट पर और इस वाले इफेक्ट को ले लेना है सिंपली, देख सकते हो। ओके इसको लेने के बाद जो काउंटर है इसको कुछ इस तरह से इंक्रीज करना है। ओके इतना इंक्रीज कर देने के बाद अब एंगल वाले ऑप्शन पर चले जाना है, इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। अब सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाना है नीचे के साइड, यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिख जाएगा, तो सिंपली इस पर टैप करना है और ब्लैक कलर सिलेक्ट करके एंड उसके बाद इस फेस वाले ऑप्शन पर टैप करना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है। इसमें हम लोग एनिमेट करेंगे और जो हम लोग को सेकंड नंबर की फ्रेम है यहाँ पर ऐड कर देना है। बाद अब सिंपली 9 सेकंड पर आ जाना है, 9 सेकंड पर आने के बाद इसको इंक्रीज करना है कुछ इस तरीके से। ओके यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, तुम देख सकते हो। इतना हो जाने के बाद आप सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल करके आ जाना है एंगल वाले ऑप्शन में, इसको भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ओके कुछ स्टेप से हो जाने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है, इसमें हम लोग ग्राफ एनिमेशन भी ऐड कर देते हैं। ओके तो अब इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। ओके अभी तुम देख सकते हो जो हम लोग का डैश लाइन है इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है, मतलब कोई भी मोमेंट नहीं है। तो एनिमेशन हम लोग को डालने के लिए सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके अगेन एड इफेक्ट पर और ड्रॉइंग प्रोग्रेस वाला इफेक्ट को एड कर लेना है। ओके एड कर लेने के बाद सिंपली अब ड्रॉइंग प्रोग्रेस वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करना है और एंड पर क्लिक करके और जो हम लोग का लास्ट वाला की फ्रेम है ना इसको उठाकर और 4 सेकंड पर लेकर चले जाना है। ओके अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो अब तुम देख सकते हो जो डैश लाइन है इसमें भी एनिमेशन ऐड हो चुका है, तो सिंपली अब यहाँ पर आ जाना है 0.25 सेकंड पर। तो यहाँ पर आ जाने के बाद अब पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके जो भी पीएनजी ऐड करना होगा ऐड कर लेना। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैं ये वाला पीएनजी ऐड कर रहा हूँ। ओके ऐड कर लेने के बाद अब सिंपली यहाँ पर एडजस्ट कर देना है।
ओके यहाँ पर एडजस्ट कर लेने के बाद आप सिंपली मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है एंड उसके बाद स्केल वाला ऑप्शन में और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके इसको जीरो कर देना है। जीरो कर देने के बाद आप थोड़ा सा आगे आ जाना है अराउंड 4 सेकंड पर। ओके 4 सेकंड पर आने के बाद इसका जो साइज है कुछ इस तरह से इंक्रीज कर लेना है। ओके साइज को इंक्रीज कर लेने के बाद आप ग्राफ एनिमेशन भी ऐड कर देते हैं। ओके अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। वाह अब तुम देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो सिंपली अब हम लोग को टेक्स्ट को लिख लेना है। तो टेक्स्ट को लिखने के लिए सबसे पहले ना इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इस पर टैप करके और हम लोग को डुप्लीकेट लेयर कर देंगे तो इसका डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा। तो सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाएंगे और वहां से मूव करके यहां लेकर आ जाएंगे। ओके यहाँ पर आ जाने के बाद आप सिंपली बैक आ जाना है एंड इसको सिलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर हटा कर और यहाँ पर जो भी लिखना होगा लिख लेना जैसे मैं लिख लेता हूँ। ओके टेक्स्ट को लिख लेने के बाद सिंपली बैक आ जाना है एंड इसको सही से एडजस्ट कर देना है मूव वाले ऑप्शन में जाकर और इसको बीचों बीच एडजस्ट कर लेते हैं। ओके कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेने के बाद अब तुम देख सकते हो हम लोग को एनिमेशन भी डालने की जरूरत नहीं पड़ा एंड टेक्स्ट में ऑटोमेटिक एनिमेशन पड़ चुका है। ओके सबसे पहले हम लोग आउट कर लेते हैं अपने टाइमलाइन को और अपने टेक्स्ट को उठाकर एंड जो कॉपी की है और यहाँ पर लेकर आ जाना है। ओके यहाँ पर लेकर आ जाने के बाद अब इसको तुम प्ले करके देखोगे तो कुछ स्टेप से देखने को मिलेगा। तो टेक्स्ट को ना यहाँ पर थोड़ा सा और आगे कर लेना 4 सेकंड पर। ओके अब तुम देख सकते हो। तो अब यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा जितने भी टेक्स्ट है और लाइन है ना इसमें हम लोग ग्लो इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इफेक्ट में चले जाएंगे अगेन ऐड इफेक्ट में और ग्लो इफेक्ट कर देते हैं। तो तुम देख सकते हो इसमें ग्लो इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो सिंपली ग्लो वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और स्क्रॉल करके चले जाएंगे नीचे के साइड और कलर पर क्लिक करके और येलो कलर सिलेक्ट करके इस पर टैप करके और इसको पूरा डार्क कर देना है। ओके डार्क कर देने के बाद बैक आ जाना है एंड बैक आ जाने के बाद जो हार्डनेस है इसको पूरा जीरो कर देना है कुछ इस तरीके से और रेडियंस को भी थोड़ा सा कम कर लेना है। ओके कुछ स्टेप से ग्लो इफेक्ट ऐड कर लेने के बाद अब इस 3 डॉट पर क्लिक करना है और कॉपी इफेक्ट कर देना है। ओके कॉपी इफेक्ट कर लेने के बाद अब इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इफेक्ट में चले जाना है और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इसमें भी ग्लो इफेक्ट लग जाएगा तुम देख सकते हो। तो अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली ग्लो पर क्लिक करेंगे और रेडियंस को थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं अराउंड कुछ इस तरीके से और यहाँ पर चले जाएंगे नीचे साइड और हार्डनेस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ओके कुछ स्टेप से कर लेने के बाद सिंपली बैक आ जाना है एंड उसके बाद डैश लाइन वाला शेप को सिलेक्ट करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके और 3 डॉट पर क्लिक करके और पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इसमें भी ग्लो इफेक्ट लग जाएगा बट तुम देख सकते हो इसका जो कलर है येलो है बट हम लोग को व्हाइट करना पड़ेगा। तो सिंपली ग्लो को सिलेक्ट करना है और स्क्रॉल करके चले जाना नीचे साइड और कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर सिलेक्ट कर देना है। तो तुम देख सकते हो इसमें भी ग्लो इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाना है और जो डैश लाइन शेप है इसको उठा कर और नीचे साइड कर देना है यहाँ पर। ओके तो अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। ओके आगे भी इसी स्टेप को फॉलो करना है तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके अब मैं सारे पीएनजी को ऐड करके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया हूँ। तो अब सिंपली कुछ इस स्टेप से कर लेने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करके और जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था उसको मैं ऐड कर लिया हूँ। तो अब जहाँ से डैश लाइन निकलना स्टार्ट हुआ है ना वहाँ पर आ जाना है अराउंड 1 सेकंड पर। ओके यहाँ पर आ जाने के बाद सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करके और सिंपली चले जाना है 4 सेकंड पर। ओके 4 सेकंड पर आ जाने के बाद अब जेड पर क्लिक करके कुछ स्टेप से जूम करना है एंड दोबारा से एक्स वाई वाला ऑप्शन पर टैप करके और इसको कुछ स्टेप से स्लाइड कर देना है ऊपर के साइड एंड इतना हो जाने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है एंड इस पर टैप करके और ग्राफ एनिमेशन भी ऐड कर देना है। तो अब इसको थोड़ा प्ले करके हम लोग देख लेते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग एनिमेट कर लेना है तो मैं फटाफट एनिमेट कर लेता हूं। तो फाइनली हम लोग एनिमेशन बनके रेडी हो चुका है। मैं प्ले करके दिखा देता हूं। तो अब इस आर्टिकल हाईलाइट एनिमेशन को भी कवर कर लेते हैं। तो पिक्सेल को ओपन करके अपने आर्टिकल को इसमें ऐड कर लेना है और ये वाला आर्टिकल जिसे मैं गूगल से यहाँ पर स्क्रीनशॉट करके क्रॉपिंग कर लिया हूँ तो इतना तो तुम कर ही सकते हो। तो सिंपली इसमें ऐड करने के बाद इसको सिलेक्ट करके रखना है और स्क्रॉल करके चले जाना है इरेज कलर वाले ऑप्शन में। तो अब इसको इनेबल करना है। इनेबल कर देने के बाद इसको पूरा फुल करके सही पर टैप कर देना है एंड उसके बाद चले जाना है कलर वाले ऑप्शन में एंड इसको इनेबल करना है और कलर जो भी चाहे रख सकते हो। जैसे मैं व्हाइट कलर सिलेक्ट करके और सही पर टैप कर देता हूँ एंड उसके बाद 4th वाला ऑप्शन पर टैप करना है और ट्रांसपेरेंट करके
इसको सेव कर लेना है। तो अब सेव कर लेने के बाद एलाइट मसल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओके, एलाइट मसल को ओपन करके एग्जांपल के लिए मैं अपने इस थंबनेल को ऐड कर लिया हूं। तो अब इसको सिलेक्ट करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके अगेन ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके और ब्लर वाला इफेक्ट को ऐड कर देना है। एंड इसको थोड़ा हम कम कर लेते हैं, जैसे जो ब्लर का साइज है अराउंड कुछ इतना कर लेते हैं। ओके, कुछ स्टेप से कर लेने के बाद सिंपली बैक आ जाना है। तो अब इसको दोबारा से सिलेक्ट करना है और ब्लेंडिंग ऑपेसिटी वाला ऑप्शन में चले जाना है एंड इसका जो ऑपेसिटी है 35 कर देना है माइनस। तो अब यहां से बैक आ जाना है एंड उसके बाद जो पिक्सेल पे हम लोग आर्टिकल का जो पीएनजी बनाए थे उसको ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए सिंपली इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद सिंपली इसको कुछ इस टाइप से बड़ा करके अराउंड यहां पर एडजस्ट कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूं। ओके, यहां पर एडजस्ट कर लेने के बाद सिंपली बैक आ जाना है एंड उसके बाद दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करना है और इस वाले शेप को ले लेना है। एंड इसको लेने के बाद सिंपली कुछ इस तरीके से करना है, जैसे मैं कर रहा हूं। ओके, कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद सिंपली चले जाना है कलर फिल वाले ऑप्शन में एंड जो भी कलर सिलेक्ट करना होगा सिलेक्ट कर लेना, जैसे मैं रेड कलर ले लेता हूं। ओके, रेड कलर ले लेने के बाद सिंपली बैक आ जाना है और दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है और जिस भी जगह पर हाईलाइट करना है वहां पर इसको एडजस्ट कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूं, देखते जाओ। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद आप सिंपली बैक आ जाना है एंड इसको सिलेक्ट करके और अपने टेक्स्ट के पीछे भेज देना है कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद आप सिंपली इसको सिलेक्ट करना है जो हम लोग शेप बनाए थे एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट पर क्लिक करना है, अगेन ऐड इफेक्ट पर और सर्च बार में लिखना है वाइप। तो जैसे तुम वाइप सर्च करोगे तो इफेक्ट आ जाएगा। तो सिंपली इसको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर एक टेम्पलेट देखने को मिल जाता है, ट्रांजेक्शन इन राइट वाला टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है तो ऑटोमेटिक की फ्रेम लग जाता है एंड तुम्हारा एनिमेशन भी कम्प्लीट हो जाता है। तो मैं प्ले करके सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो तुम देख सकते हो हम लोग का एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है, बट एक छोटा सा काम बाकी है। जो हम लोग का आर्टिकल है ना उसको सिलेक्ट करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके अगेन एड इफेक्ट पर और सर्च बार में लिखना है पेज। ओके, पेज सर्च करते ही इफेक्ट आ जाएगा। तो सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर भी एक टेम्पलेट देखने को मिल जाता है, तुम देख सकते हो ट्रांजेक्शन इन वाला। तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग का की फ्रेम एड हो जाएगा और हम लोग का एनिमेशन भी बन के रेडी हो चुका है। मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जो सेफ है पहले ही एनिमेट होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो सिंपली हम लोग करेंगे इसको उठाकर और सिंपली आ जाएंगे आगे की साइड यहाँ पर 20 सेकंड पर। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको प्ले करके मैं दिखा देता हूँ।